India's best Dramebaaz, co-powered by HP. फिनाले से सिर्फ दो हफ्ते दूर, 10 में से 8 ड्रामेबाजों के दिल आज बड़ी जोर से धड़क रहे हैं, क्योंकि आज बची है ड्रामेबाजी की तीसरी और आखिरी डिग्री, जिसे जीतकर इनमें से कोई एक इनायत एंड शीशा की तरफ पहुंच जाएगा सीधा ग्रैंड फिनाले में। और एक बार फिनाले में एंट्री हो गई तो उसके बाद फिर सब बढ़िया ही है, समझ रहे हैं ना? जोरदार तालियां हो जाए भाई, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। और इस बढ़िया को और बढ़िया बनाने आ गए हैं सुई धागा लेकर एक बहुत ही स्पेशल कपल, मौजी और ममता। जोरदार तालियां फॉर ब्यूटीफुल गॉर्जियस एक्टिंग की क्वीन अनुष्का शर्मा और द डूड द हंक वरुण धवन। ट्रेलर में हमने देखा है कि सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया है, हर चीज बढ़िया। इस फिल्म में सबसे बढ़िया चीज क्या है? सबसे बढ़िया चीज इस फिल्म में मेरे लिए तो यह है कि इस फिल्म का नाम है सुई धागा, मेड इन इंडिया। क्या बात है, तो अपना देश का नाम जुड़ा इस फिल्म में, तो वही सबसे बढ़िया चीज है। सुपर्ब, सुपर्ब। क्या बात है? जनरली यू नो एक्टर्स को हम देखते हैं या तो वो लिंगों में प्रैक्टिस करते हैं, मेथड एक्टिंग में कुछ कुछ ना कुछ ना कुछ चीजें करते हैं, तो आप लोग ने भी कितने मतलब कच्चे बनियान सिले हैं सुई धागा के लिए? सिलाई का काम वो हमारे मौजी जी का है। एक्चुअली सिलाई कढ़ाई का काम जो है बुनाई, ये इन्होंने किया है फिल्म में। सिलाई मैंने एम्ब्रॉयडरी, तीन महीने मैंने जो सुइंग मशीन है उसको प्रैक्टिस किया कि कैसे चलाना होता है, बॉब पिन में धागा कैसे डालते हैं। सच्ची में ये सीखा है मैंने। आई कैन वर्क द मशीन, बट आई थिंक डिफिकल्ट चीज मुझे ये लगी, मशीन को मुझे बोलना था मशीन और ये हर बार बोलना था, तो अभी भी मैं मशीन बोलता हूँ, मशीन नहीं बोल पाता हूँ। नहीं पर जोरदार तालियां हो जाए वंस अगेन वरुण धवन एंड अनुष्का। शंतनु, हाँ सर, आज मेरे पास आपके लिए कुछ है। फाइनली वो दिन आ गया जब सर मेरे को अपनी फिल्म में लीड रोल दे रहे हैं। गाइस जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। अरे आपको रोल नहीं दे रहा मैं, तो आपको हम दे रहे हैं को एंकर। क्या ये पद्मा, इनको कुछ सिखाओ। हाँ सही बात है, सिंपल टेक्निक है, एंकर बनना है ना। हाँ। देख उधर बाहर खड़ा रहे, चल हाँ। चल हाँ उधर एंकरिंग कर। हाँ। तो चलिए बुलाते हैं सबसे पहले हमारे पहले ड्रामेबाज को। इंडिया में ऑडियंस जो है वो तीन लोगों की दीवानी, पहली अनुष्का, दूसरा हमारा वरुण एंड तीसरा मेरे दीवाने इस चोमू के जैसे। एक सेकंड, चोमू चोमू भाई, पहले तो बड़ा हैंडसम बोलती थी, आज चोमू। अरे तेरे तेले देने वरुण धवन को नहीं देखा था ना। ममता और मौजी की तरह मंच पर ड्रामेबाजी करने के लिए आ रहे हैं वरुण धवन के सबसे बड़े फैन जयपुर से गर्वित पारीक और उनके साथ अकोला की शान स्निग्धा देशमुख। कटर पटर जिंदगी ने राग है सुनाया, बटन खुले काज से तो बक्सुआ लगाया, किस्मत फटी चादर तो हम बने। वरुण सर, सितंबर में आपकी नई फिल्म आ रही है ना, और हाँ। इससे पहले आपकी फिल्म आई थी अक्टूबर। हाँ। आपको नहीं लगता कि घर में कैलेंडर उल्टा लगा हुआ है? Makes sense. बताइयो, आपकी नई फिल्म आ रही है सुई धागा, ट्रेलर बने हुए हो। हाँ जी। अक्टूबर फिल्म में आपके दोस्त आपको समझा समझा के थक गए, लेकिन आपका सारा ध्यान उस लड़की में ही था। अब देख लीजिए कपड़े सिलने पड़ रहे हैं ना। पर सर क्या ट्रेलर है फिल्म का, पहली बार किसी ट्रेलर का ट्रेलर देखा।
जानता है आपके पति कपड़े सिलते हैं, हमारे भी कपड़े सिलते, हमारा नाम भी ममता है। लेकिन एक बात बताऊं, एक नंबर का नकारा पति मिला है, एक ढंग का काम नहीं करता। कहाँ गए थे? उत्तराखंड में बादल फट गया था, तू उसे सिलने गया था। थोड़ा और आगे जाते, वहाँ बम फट रहा था, वो भी सिलाते। सच सच बताइए कहाँ गए थे? मौज करने गया था। क्यों वारन सर? आ सर, सुई धागा। और सब सुई धागा क्या होता है? और सब बढ़िया। ऐसे पूछते हैं, उनका सुई धागा बढ़िया से कम है के? अब ज्यादा बातें मत बनाओ। अच्छा सुनो, मेरे सहेली का घाघरा सिल देना। यार मुझे तुम्हारी सहेली नहीं पसंद। तुम्हें उसका घाघरा सिलना है या उससे शादी करनी है? अरे पूछ रही हो या ऑफर दे रही हो? जुबान ज्यादा चल रही है या मेरा डर खत्म हो गया है? ओ हेलो। मैं दिखता हूँ बड़ा स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, पर हूँ बड़ा खानदानी टाइप का। कितने सपने देखे थे हमने कि किसी हैंडसम काबिल लड़के से शादी करेंगे। अरे हैंडसम काबिल लड़के के साथ शादी करने के लिए शक्ल अनुष्का जैसी होनी चाहिए। हाँ वो कहाँ? और कहाँ ये मिसल पाओ? और कहाँ वो वरुण धवन? और कहाँ ये मुरलीधरन? खबरदार मेरे वरुण सर के बारे में एक शब्द कहा तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? नहीं नहीं, क्या शब्द तो बोला। इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, अच्छा लगेगा एक शब्द बोलते आची कहीं। अरे नालायक, कब तक छोटे मोटे काम करते रहोगे? कोई बड़ा काम भी कर लिया करो। अरे और कितने बड़े काम करूं? मेरे पिताजी एक्सएल कच्चा सिलते हैं और उनका बेटा मोजी डबल एक्सएल कच्चा सिलता है। अच्छा मेरे चाचा जी का पजामा कैसे सिला? ये तो जगह जगह से फटा हुआ है। तो उन्हें कौन सा सुई धागा की प्रीमियर पार्टी में जाना है, बस सड़क पे बैठ के भीख ही तो मांगनी है। वरुण सर, सिलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भलाई का जमाना होता है वो। एकदम सुई बात। फिर सुई? तुम देखना, एक दिन पूरे देश में हमारे सिले हुए कपड़े बिकेंगे। सच? लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। करेंगे, हर सेकंड, हर मिनट सिलना होगा। सिलेंगे। और हमारे पास तो ढंग की एक सुई भी नहीं है। ओ, अरे क्या कर रहे हैं आप? ये मिनट की सुई है, ये सेकंड की। अब हर मिनट हर सेकंड सिलाई होगी। अब सिलाई समय पर होगी, हम खुद का मोहर लगा के कपड़े बेचेंगे। मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाच धागा। सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाच धागा। क्या बात है? वाह, क्या बात है! तो भाई मौजी भाई, आप ही बताइए कैसा लगा आपको हमारा छोटा वरुण धवन? मैं बस कहूंगा सब बढ़िया है। हाय हाय। जो आप ने मौजी का किरदार निभाया, बहुत बढ़िया निभाया, बहुत अच्छा किया। मेरे को लगता है आप बहुत 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 अच्छे एक्टर हो और बहुत आगे जाने वाले हो। आपकी जो एनर्जी है, और मैं अनुष्का भी मुझे बोल रही थी कि आप जब डायलॉग बोल रहे थे तो आपकी मम्मी भी उधर डायलॉग बोल रहे थे कंटिन्यूअसली। तो आपको मम्मी को थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, आपको जाके मम्मी को एक हग देना चाहिए अभी। जाओ जाओ फट से। 1 2 3 गो। मम्मी मम्मी उधर है, किसी और की मम्मी को हग मत देना। मम्मी आपका ध्यान किधर है? आपका बच्चा इधर है। ओ मौजी, इतनी भी मौज मत कर। इधर
और जो ममता बनी है उसके बारे में भी मुझको बोलना पड़ेगा कि बहुत 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 बेहतरीन किया उन्होंने, बहुत ही मैच्योर परफॉर्मेंस दिया आपने, यू नो आपने बहुत अच्छी तरह एक तरीके से एक्ट का फ्रेमवर्क संभाला, मौजी और आपका जो रिलेशनशिप है वो संभाला, हम लोगों को एक्चुअली लगा कि आप दोनों एक पति पत्नी है, एक फैमिली है आपकी, वेरी वेरी वेल डन यार। वाह क्या बात है, ये जो छोटी सी प्यारी सी ममता है इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू। और हाँ आप बहुत क्यूट थे, आप ये साड़ी पहन के और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। गर्वित मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप एक्टर क्यों बनना चाहते हो? मैं एक्टर इसीलिए बताओ ताकि मैं 50 रुपए कमा सकूं। पचास रुपए तो बेटा आप कमाओगे, आप जरूर कमाओगे, 50 से ज्यादा पैसे कमाओगे। आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था गर्वित, आपने छोटा मौजी बहुत प्यारे तरीके से किया, लेकिन स्निग्धा मुझे लगता है कि ये एक्ट आपने सी कर रखा है, इसे बुना आपने। वाह थैंक यू सर। और गर्वित का जो प्यारापन और पागलपन दोनों उसको साथ में रखना और बिना एक मिस्टेक किए, बिना एक जगह थ्रो हुए, आप कहीं भी ऐसे कंफ्यूज नहीं हो गई, आपने पूरा एक्ट बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन किया, कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी थी, और शुरू में जो आप अकेले थी तो मोनोलॉग जैसे होता है ना, बहुत बोरिंग सा हो सकता है कि ये बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपने उसे इतना नेचुरल तरीके से और इतने सुंदर वेरिएशन के साथ में मेंटेन किया, बहुत मजा आया। थैंक यू सर। जैसी इनकी पिक्चर में टैगलाइन है, हाँ ये इंडिया के लिए बना गया है, इसलिए ये एक्ट भी मेड इन इंडिया से आपने, क्या बात है यार, ये ड्रामा तो था ही नहीं, ये था अरे मेड इन इंडिया का कारनामा। मेरी तरफ से है सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट, सारे जगह से मिला आपको सुपर डुपर हिट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच स्निग्धा, बट गर्वित एक सेकंड रुको, वरुण भाई ये सच में आपका बहुत बड़ा फैन है, हाँ। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपका कितना बड़ा फैन है, ठीक है? हाँ। सही बोला ना? हाँ? हाँ। 15 स्कूलों से निकाला गया हूँ, 10 पुलिस ऑफिसर्स ने तो मेरी वजह से अपना ट्रांसफर भी कर लिया, और एक आधा एमएलए तो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गया, और वो छोटा बच्चा नहीं बना मैं, वरुण धवन। मैं दिखता हूँ बड़े स्वीट मिसेस स्वामी सा ना, पर मैं हूँ बहुत बड़े तूफानी टाइप का, तब मैंने शहर छोड़ा था, सारा शहर तुझको छोड़ना था। कौन है ये छोटा बच्चा? गौरवित पारीक। कभी हेलमेट फंसता है, कभी चड्डी फंसती है, हो क्या रहा है तेरे साथ? अरे हीरो बनने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, वरुण धवन भी तो ऐसे करता है, तो क्या हुआ, तभी तो वो ये करके हीरो बना है। यार ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, हीरो है हीरो। छोटा वरुण धवन भी है और ओरिजिनल बड़ा वरुण धवन भी, हाँ। तो बड़े वरुण धवन और छोटे वरुण धवन को साथ में देखा जाए, बिल्कुल। क्या बोलते हो ऑडियंस? यस यस। वरुण 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 वरुण। गर्वित पहले आप एक डायलॉग बोलेंगे फिर वरुण सर बोलेंगे। टॉइंग टॉइंग टॉइंग। आंगा आंगा। मैं क्यों आया? 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 हाँ। सुनाना पड़ गया। सुनाना पड़ गई है। ऐसी ना मुझे उसे शिद्दत वाला प्यार हुआ है। लो उसी का फोन है। लो उसी का फोन।
सुनैना अपने प्यारे मुझसे तीन प्यारे वर्ड प्यारे मुझसे वो तीन प्यारे वर्ड बोल दो अरे बोलो ना बेबी नहीं नहीं ऐसे नहीं एक स्वीट सा सॉफ्ट वाला वेनिला फ्लेवर्ड वाला वेनिला स्वीट वाला ओके बेबी आई एम कमिंग ओके आई विल कॉल यू लेटर अंगद मैंने शहर छोड़ा था तो पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का लेकिन एक्चुअली बहुत बड़े तूफानी टाइप का वाह मैं कोई छोड़ा बच्चा नहीं रहा वरुण धवन 15 स्कूलों से निकाला गया मैं पुलिस ऑफिसर ने तो मेरी वजह से ना ट्रांसफर भी कर लिया और एक आधा एमएलए तो अपनी कुर्सी चढ़ के भाग गया रे अनुष्का इज गेटिंग अ हार्ट अटैक सर मुझे आपका तेरा ध्यान भी आता है थोड़ा तेरा मैंने दो बार किया हुआ है एक बार अपना डांस सिखा दे डांस He's tired now. Anushka, yes. Mamta ki tarah aap real life nahi ghar nahi ye matar chhilna, sweater dhunna, kapde silna ye sab karti hai. Hey, pagal aa gaye kya? Yaar wo Anushka Sharma hai yaar matlab itne achhi top class actress hai wo kahan ye sab ghar ka kaam karengi? Varun, Varun tum apne ghar mein kabhi matar chhilte ho, ye karte ho, wo karte ho? Nahi, par jab matar chhilte ho to main jaake kha leta hu chup. Haan, main bhi wahi karti hu. आजकल की है ना बहुओं से सिर्फ नौटंकी करवा लो घर का काम तो कुछ होता नहीं है हाँ सब घर वालों की यही कहानी है छे आंटी जी हम इस सदी में जी रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ भी काम करती हैं लड़के भी काम करते हैं हाँ ये हुई ना बात पर ये तो है कि हर सास बहू की ये नॉर्मल वाली जो कहानी है वो दिखाने आ रहे हैं हमारे कॉमिक टाइमिंग की घड़ी हर्षराज लकी और इनका साथ देंगी हमारी इनु मीनु Inu Minu, Inayat Verma from Ludhiana. अरे वाह माँ जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया. विवेक बेटा, वैसे तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिनाले नहीं आया अभी तक. पता नहीं मेरा बेटा परदेश से कब आएगा घर में खाने का एक दाना नहीं है कबूतरों के दाने खा खा के जिंदा है बहू पानी ओमंग जी राइमिंग बन जाती है इससे लेकिन रिश्ते नहीं बनते माँ जी राजू के बापू ने थार भेजा है नालायक हमेशा तार भेजता है लेकिन तार पे सुखाने के लिए कपड़े कभी नहीं भेजता माँ जी आप फिर से कच्चे
देती हो? मैं कच्चे सुनूंगी। हाँ माँ जी, अब तो बड़े बड़े स्टार भी सिलते हैं। वरुण भैया और अनुष्का दीदी ने भी सिलना शुरू कर दिया। भगवान, मेरा बेटा कब आएगा? अरे बेटा, मैं इधर हूँ। क्या इतनी गंदी माँ? मेंटर्स कास्टिंग के बारे में कुछ तो सोचा होता। खैर वो सब छोड़ो, इनू मेरी नौकरी लग गई है, रहना खाना फ्री पूरे 6 साल के लिए। और 6 साल के बाद इज्जत बरी हो जाऊंगा। अरे नालायक, निकम्मे, सास बेटे, तेरी नौकरी नहीं लगी, तू जेल जा रहा है। ओह माय गॉड, आप जेल जा रहे हैं? माँ, तू मुझे जेल में मेल भेजेगी ना? जब तू मुझे मेल भेजेगी तभी तो मैं अपने कैदी भाइयों से कह पाऊंगा। मिलके बोलो जय माता दी। क्या बात है यार, मजा आ गया। अच्छा यार, मैं कुछ बताना चाहता हूँ अनुष्का और वरुण आपसे, कि ये जो हमारी इनू मिनू है ये तो लड़की है, लेकिन ये जो बीच में हमारी माता जी बनी है ये लड़का है, जिसका नाम है हर्ष राज लड़की। आई मीन हर्ष राज लड़की। हाँ, लड़की है। ये लड़का है? लड़की नाम है आपका? नहीं, लड़की। लकड़ी लकड़ी क्यों बुला रहे थे लोग आपको? अरे बड़ा चिड़ो मत, शर्माते क्यों हो आप? रोल में ज्यादा घुसे हो। नहीं बट यही तो ट्रू आर्टिस्ट का काम होता है, जिस तरीके से आपने निभाया लक्की जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेल डन। और ये जो छोटी है जो बैक किक मार रही थी थोड़ी, सुपर। हर गैप में कुछ होता नहीं था करने को, ये पीछे वो किक मारती थी। और इतनी क्यूट तरीके से आपने अपने डायलॉग्स बोले, आई थिंक आप तीनों ने बहुत ही लाजवाब किया। हम वेरी वेरी फनी, आई थिंक अनुष्का और मैं इतने, मतलब हम लोग इतना हंसे हैं ये एक्ट देख के। वेरी वेल डन, क्या बात है। आप लोगों ने इतना भयंकर एंटरटेन किया है हम लोगों को, एंड आपने आके वहाँ पे जो आपने शशि कपूर की जो एक्टिंग करी, शशि कपूर का किया आपने, सुपर्ब है। शाबाश, जकास, बिंदास, पंडू क्लास, ड्रामेबाज। बहुत मजा आया, सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग, खट 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 निकल गया पूरा एक्ट, और तीनों छक्के लगा रहे थे, आउटस्टैंडिंग था। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, तीनों का जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये क्या है, ये क्या है, मिसाइल है? नहीं, दिल में सुई है। सुई और धागा है। इनकी परफॉर्मेंस दिल में, यू नो, सुई जैसा चुभ गया मुझे, इतना जोर से कि पूछो मत। Thank you, sir. दिल खुश हो गया मेरा। हाँ हाँ हाँ, ये तो ड्रामा था ही नहीं, ये था, ये तो कल। हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से है सुपर डुपर हिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, आप कुछ कहना चाहते हो इनायत? बोलो। वरुण सर। हाँ जी बोलो। मैंने आपको कुछ कहना है। बोलिए ना, प्लीज बोलिए। मैंने ना आपकी बहुत ज्यादा फिल्म देखी है। कितने? मैंने सिर्फ 6 साल काम किया, आप खुद ही 6 साल की हो।
पैदा होते ही हॉस्पिटल से स्ट्रेट फर्स्ट आपके पीछे देखने गई। अच्छा आप बोलिए, आप बोलिए। आप मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। थैंक यू। और मुझे जो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्म लगी है ना, वो है हमती शर्मा की ढोलनिया। ओहो, तो इसलिए हम दोनों एक छोटा सा सीन कर ले इस पिक्चर का। ठीक है कर ले, ठीक है कर ले, आपको जो चाहिए कर ले। तो मैं जॉगिंग करके आता हूँ। हाँ। और आप बैठिए। हेलो काव्या जी, बिल्कुल जीरो फिगर लग रही हो आप आज। तू मेंटल है क्या, इतनी गर्मी में लैडर जैकेट लाद के आया तू? अरे तू कितनी जजमेंटल है, हाई फीवर है मुझको, ऐसी बात करने आया था मैं। चल रहन दे, लाइन मारने आया है बस। ओ मैरिज वाली पार्टी में लाइन नहीं मारता मैं, रिसर्च करके आया हूँ मैं। वैसे दो मिनट बैठ के बात हो सकती है? नहीं, जो बोले ऐसे बोल। यार ठीक है, वैसे तो मेरा नाम है हमटी शर्मा, लोग कॉलेज में बोलते हैं अरे हमटी तू बड़ा क्यूट है। ओए अपना इंट्रो खत्म कर और जो बोले आया बोल। ठीक है यार, वैसे आज रात को कॉलेज में पार्टी है, डीजे दारू मटन सब पूरी प्लानिंग है। तो अरे तो इनवाइट करने आया हूं। मुझे क्यों करे, कोई और नहीं मिले? मिले तो बहुत, लेकिन अम्बाला से तू सिंगल पीस है। बहन बना के ले जाएगा या गर्लफ्रेंड बना के? मैं काफी ओपन माइंडेड हूँ, जैसा तू बोले। ओ, डेढ़ महीने बाद ना मेरी शादी। ओ पार्टी इतनी लंबी नहीं चलने वाली है, 6 बजे तक खत्म हो जानी है। सुपर। और सुन काव्या, वेस्टर्न पहन के आई हो, पटियाला पहन के नहीं, ठीक है? क्या बात है यार, क्या बात है। इनू इनू इनू, आपसे तो आपने इनकी पिक्चर का कर लिया डायलॉग, लेकिन जो आपका डायलॉग है जो पूरा हिंदुस्तान करता है वो आपको वो मुझे सीखना पड़ेगा। वरुण भैया को और अनुष्का दीदी को, दोनों को सिखाना पड़ेगा। अनुष्का मैम आप भी स्टेज पे आ जाओ। जी मैम। दैया रे दैया, कैसा है मेरा सैया? दैया रे दैया, कैसा है मेरा सैया? क्या बात है, अब शर्माते हुए। शर्माने वाला स्टाइल, ठीक है। दैया रे दैया, कैसा है मेरा सैया? एक तरफ हम्पी शर्मा, एक तरफ अनुष्का शर्मा, अब आपको शर्माना है। दैया रे दैया, कैसा है मेरा सैया? क्या बात है यार, जोरदार तालियां बजाएं। सुपर, गुड स्पोर्ट, वाओ, थैंक यू नायक, थैंक यू। सुई धागा से मौजी जैसा बेटा हो तो बाप पे क्या गुजरती है, दिखाएंगे पुणे से दादी के लाडले अनीश रायकर और ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुके साउथ का सेंसेशनल ड्रामेबाज श्रीशा। बेटा एक टाइम था जब मैं क्रिकेट की बॉल फेंका करता था, आज बुढ़ापे में जड़ते हुए बालों को फेंकना पड़ रहा है। अरे अनुष्का बेटा, लोगों के बच्चे बड़े होकर डॉक्टर लॉयर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन मेरा बेटा निकम्मा बन गया निकम्मा। धूम मचाले नहीं, धूम मसाले। अरे बेटा आजकल मसाले बिके क्या? अरे पापा एक तो आपके मसाले कोई खरीदता नहीं, और आपके इन मसालों के चक्कर में क्यों आप मेरी जिंदगी मसल रहे हो? अरे बेटा खाओ मसाले धूम के, आएगा सावन झूम के। कुछ ऐसा कर बेटा कि सब देखते रह जाए। तो ठीक है फिर, सारे मोहल्ले वालों को सुई धागा दिखाने ले जाता हूँ।
बनाने वाले ने ऐसी फिल्म बनाई है कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ, यही सोच के मैंने भी तेरा नाम वरुण रखा था बेटा। सोचा था टैलेंटेड निकलेगा, लेकिन तेरे अंदर तो धवन वाली बात ही नहीं है। अरे पिताजी, उनके पिताजी भी टैलेंटेड है, आप में कोई डेविड वाली बात। अब बच्चे पर तो पिता का असर पड़ेगा ही ना। क्यों वरुण भैया, अपने बाप की इतनी बेइज्जती, तुझे इसी दिन के लिए पाल कोस के बड़ा किया था कि तू एक दिन अपनी बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाएगा, मिट्टी में। अरे पापा, एक तो आपकी इज्जत हर दूसरे दिन मिट्टी में मिल रही होती है, मुझे लगता है कि जब जमीन की खुदाई होगी तो जमीन से पानी नहीं आपकी इज्जत बाहर आएगी। निकम्मे नालायक, क्या कर तूने मेरे, चला जा ऐसे, मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना। ए, मेरी मुंह दिखाई थोड़ी हो रही है जो मैं आपको मुंह दिखाऊंगा। पापा, आप गुस्सा बहुत अच्छा करते हैं, जगराते में एक राक्षस की जगह खाली है, जाओ बहुत पैसे मिलेंगे। तूने मुझे राक्षस कहा निकम्मे गधे? नहीं, ये तो आप कह रहे। ए, अभी दिखाता हूँ। कहाँ गया? क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए यार। तो वरुण भाई, कुछ ऐसा ही कैरेक्टर था आपका भी इस मूवी में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, मतलब बाबूजी और मौजी के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, बट इस प्रकार नहीं। और जो पंच था ये तो आप कह रहे, ये तो बहुत अच्छी तरह से आपने बैठाया, एंड आई थिंक वो रिकरिंग था, एंड वो बहुत ही इंडियरिंग वे में आपने कहा जब आपने कहा। एंड पापा का भी किरदार आपने बहुत खूबी से निभाया है, मुझे बहुत स्वीट लगे और बहुत क्यूट लगे आप। ओवरऑल इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग एक्ट, आई हैव टू से, बहुत एंटरटेन हुए हम सब। Superb, you guys were very funny, बहुत बहुत funny थे आप दोनों। और मुझे अभी अभी इन्होंने बताया कि शीशा, आप ज़्यादा हिंदी समझते नहीं है ज़्यादा, you're from South India. In fact, ये कर्नाटका के हैं। कर्नाटका, ओह वाओ, मैं भी बैंगलोर में बड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा जब इन्होंने मुझे बोला, आई वाज़ लिटिल सरप्राइज़, क्योंकि जब आप बोल रहे थे इज्जत, तो आपने इज्जत बोला, और वो जहाँ के आप, जहाँ से आप हो, जहाँ इस एक्ट में जहाँ से आपने अपने आप को दिखाया है, आपने उसी तरह उसी लहजे से आपने बोला इज्जत। तो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे आपने एक भी सेकंड ये समझने नहीं दिया कि आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है या एक्सेंट का कोई प्रॉब्लम है। सो आपने बहुत अच्छे से उस एक्सेंट को प्रोनाउंस, वेरी गुड, वेरी वेल डन, थैंक यू। इस स्टेज पर ये एक्ट अच्छा था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था। पंच लाइन्स अच्छे थे, जो वीविन कर रहे थे सुई धागा का, वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये एक्ट कहीं गया नहीं। श्रीशा, आप हमेशा अच्छा करते हो, आप दोनों ही बहुत अच्छा करते हो, तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत थी, बहुत मजा आया, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। मैं अपनी तरफ से दूंगा इस एक्ट को सुपर डुपर हिट। मुझे तो बहुत मजा आया, तो अरे ये देखो भैया, ये देखो भैया, ये उड़ गया आपका सुपर डुपर हिट। ओके, और मेरे तरफ से है सुपर हिट। ओके, जोरदार तालियां हो जाए भाई बच्चों के लिए, थैंक यू सो मच यार। अनुष्का, या आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो मतलब वर्ल्ड वाइड है, हम सब जानते हैं कि आप कितने पॉपुलर हो, कितना आपको सब प्यार करते हैं, बट जो हमारे ड्रामेबाज है ना, वो जितने बड़े आपके फैन है ना, और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, सो इजाजत है? एकदम यार, मतलब आई कैन वेट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बस स्टेज पर आना पड़ेगा। कटर पटर जिंदगी ने राग है सुनाया, किस्मत फटी चादर तो हम बने सुई धागा, सुई धागा। सरप्राइज। अच्छा तुम जा रहे हो क्या? हाँ मैं, यही तो। व्हाट, दिस इज, डर लग रहा है मुझे। तो आप तैयार हैं? जी हाँ। सो लेट्स हैव सम म्यूजिक। होने होने से हवा लगती है, होने होने से दवा लगती है, होने होने से दुआ लगती है, तू सब्र कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, होने होने हो जाएगा प्यार, चलेगा होने होने हो जाएगा प्यार,
हौले हौले हो जाएगा प्यार चलेगा हौले हौले हो जाएगा प्यार हौले हौले हो जाएगा प्यार चलेगा हौले हौले हो जाएगा प्यार हेलो ताली पार्टनर सूरी जी नो फेयर व्हेन राज इज हियर राज हो गया कुछ रिश्ते जिंदगी में हम खुद चुनते और कुछ रिश्ते रब जी हमारे लिए सही कहा ना ए, खुद को के शाहरुख समझे के ये हाथ देखे ये हाथ नहीं हथौड़ा है हथौड़ा एक मुंह पे मारूंगा ना तो दांत पॉपकॉर्न की तरह बाहर आ जाएंगे अरे ये तो बेचारा चला गया और बेबी एक डांस हो जाए बेबी को बेस पसंद है बेबी को बेस पसंद है जब मनाचे मुझको उसका बेस पसंद है बेबी को बेस पसंद है बात है क्या बॉडी बनाया है सलमान भाई भाई दिखा 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 भाई साहब दिखा ये कौन है कौन है ये भाग गया सुल्तान भाग गया अरे लेकिन ये पीके कपड़े पहन के क्यों आया कौन सा गोल है ये कहाँ गया हम दूसरे गोले से हम बहुत कंफ्यूज किया गए तुम्हें देख के ठुकुर ठुकुर के ठेकर तो पहचाना नहीं हमका हम पी के हो पी के क्या बात है इसलिए लड़का से चलते हैं ऐसा बेस्ट ऑफ टाइम तुझे तक 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 रहना तेरे पीछे पीछे चलते रहना ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम प्यार प्यार बेस्ट ऑफ टाइम ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम फिर भी सोच लिया है मन में एक बार तो इस जीवन में कौन हो तुम हम पी गए हूँ पी के कौन से गोले से आए हो पी के मैं आया हूँ मर्क्यूरी से मर्क्यूरी से अनुष्का आप इस इंडस्ट्री में ऐसी एक एक्ट्रेस हो जो तीनों खान के साथ काम कर चुके हैं जी ये हमारे तीनों खान आपको कैसे लगे अभी इन तीनों खानों में से तो लाइक इट्स वेरी हार्ड टू जज क्योंकि ये तीनों खान ही इतने लाइक अमेजिंग और क्यूट है और उन तीनों खानों के बीच में रहने दो भाई नेशनल टेलीविजन में तो ना बोल रही मैं सब बढ़िया है सब बढ़िया है और सब बढ़िया है सब बढ़िया है थैंक यू थैंक यू है सुनाया किस्मत फटी चादर तो हम बने सुई धागा सुई धागा क्या तुमने किसी को प्यार किया किया क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया दिया ए, ये क्या था ये जजेस कहते रहते कि एनर्जी लाओ तुझसे तो हो नहीं रहे रियली यस अच्छा एनर्जी देखना है चलो बुलाते हैं अगले ड्रामेबाज को जोरदार तालियां बजाइए यार मैच की वंडर गर्ल एंजेलिका पिपलानी और दादी का लाडला पोता अनीश राइकर सोनू लो अभी तक सोया हुआ है सोनू बेटा उठो सोनू प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है ना ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा सोनू उठो चलो ये क्या कर रही आप माँ जल्दी से तैयार हो जाओ मलखम के लिए जाना नहीं है नहीं जाना मुझे
मैंने जिम ज्वाइन किया है, आज से मैं वही जाऊंगा। ये मलखम तेरे जिम से कम थोड़ी है बेटा, वहां जिम में तो तू मशीनों के सहारे अपनी सेहत बनाएगा, लेकिन मलखम में अपने बलबूते पे, ये तो अपने प्राचीन कला है बेटा। तुझे पता है पुराने जमाने के राजा महाराजा मलखम और कलरी जैसी कलाओं की शिक्षा लेते थे। फिर भी कुछ राजा महाराजा जंग में हारी जाते थे ना। अगर हम इसी तरह मलखम के पीछे पड़े रहेंगे तो कोई जंग जीतो या ना जीतो जंग जरूर लग जाएगी। सोनू, मैंने जिम ज्वाइन किया है, आज से मैं वही जाऊंगा। अगर हम इसी तरह मलखम के पीछे पड़े रहेंगे तो कोई जंग जीतो या ना जीतो जंग जरूर लग जाएगी। मैम, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो, कोई बात? नहीं नहीं मानिक, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, बहुत कम दिन रह गए कॉम्पिटिशन में। और हाँ, सोनू की जगह अब तुम लोगे। पर क्यों मैम, सोनू नहीं आ रहे क्या? नहीं, उसे ये मलखम अब फालतू कर्तव्य लगता है। आपने उसे बताया क्यों नहीं मैम, ये कंपटीशन जितना हमारे लिए कितना जरूरी है? बिल्डर नोटिस दे चुका है, वो हमारे इस जगह पे बुलडोजर चला देंगे। अगर इरादे मजबूत हो तो किसी बुलडोजर में इतनी ताकत नहीं कि वो उन इरादों को कुचल सके। और जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ ना कोई बुलडोजर चलेगा और ना ही कोई बिल्डिंग बनेगी। और रही बात कॉम्पिटिशन की, वो हम जरूर जीतेंगे और उन पैसों में से बिल्डर का पैसा लौटा देंगे। चलो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वेरी हार्ड हाँ? वाओ। क्या हुआ मैम? मैम देखो एम्बुलेंस बुलाओ, लग गया मैम को। क्या हुआ मैम, कहाँ पे लगा? चल 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 एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी 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 बुलाओ। आपको एक महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। लेकिन डॉक्टर, अगर इस वक्त आराम कर लिया तो जिंदगी भर के लिए नींद हराम हो जाएगी। देखिए, जान है तो जान है, पर मैं आपको इस हालत में प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दे सकती। लेकिन डॉक्टर, मैम ये कंपटीशन जितना हमारे लिए कितना जरूरी है? बिल्डर नोटिस दे चुका है, वो हमारे इस जगह पे बुलडोजर चला देंगे। आई एम सॉरी मैम, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था, मैं केवल अपने बारे में सोच रहा था। आपका सपना जरूर पूरा होगा। और इस कॉम्पिटिशन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मलखम योद्धा। Resultado.
मैं 12 साल का था, माँ बाप थे नहीं। सिग्नल पे भीख मांगता था मैं, आज भी किसी सिग्नल पर भीख ही मांग रहा होता। अगर उस दिन एक शख्स ने मेरी जिंदगी ना बदल दी होती, मेरी माँ, मैं आज जो भी हूँ वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। नहीं बेटा, आज तुम जो कुछ भी हो अपनी मेहनत और अपने लगन की वजह से हो। You are the winner. सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा अनुष्का से, एक तो आप दोनों ने बहुत ही सुपर्ब एक्ट किया है। अनीश, लास्ट में आपके जो डायलॉग्स थे, मुझे पता है कि आप वहाँ पे नेचुरली आप रोए थे, असली में आपको वो रोना आया एंड दैट वाज ब्यूटीफुल मी। एंड एंजेलिका, इवन दो आप माँ का रोल प्ले कर रहे हो और आप खुद तो मतलब बहुत ही छोटे हो, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही ज़्यादा लाइक मैच्योरली उस पूरी एक्ट को किया, सो यू गाइज वर ब्रिलियंट। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज भी मिला इससे कि आपको अगर अपने सपने साकार करने तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है, और वो आपने दिखाया। दूसरी चीज़, ये जो कला है मलखम, थोड़ा जो जैसे सुई धागा मेड इन इंडिया, मलखम भी मेड इन इंडिया है। आई थिंक जो हमारे ये हमारे देश की कला है एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। अगर हमें अगर हम ये भूल जाएंगे तो दुनिया भी भूल जाएगी। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच मालिक पॉल एंड सारे मलखम बॉयज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंजेलिका और अनीश, आप दोनों फोर रनर्स हो और आपसे हमेशा अपेक्षाएं ऐसी रहती हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। वो एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर जाना, हमें इम्प्रेस करना, वो बहुत बड़ी बात है बेटा। फैंटास्टिक, ग्रेट जॉब। ओहो, सब बढ़िया, सब बढ़िया। सब बढ़िया है। या अनुष्का का फेवरेट लाइन है, सब बढ़िया। जिस तरह इनकी पिक्चर में सब बढ़िया है, वैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस बढ़िया था, डायलॉग डिलीवरी बढ़िया थी, मलखम एक्ट बढ़िया था, क्या बात। एंड आपकी एक्टिंग तो सुभान अल्लाह फैंटास्टिक, बढ़िया से बढ़िया, इतना बढ़िया था कि पूछो मत, ड्रामा तो था ही नहीं यार, ये था कारनामा। फैंटास्टिक, एक साथ करेंगे सुपर डुपर हिट। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, सुपर डुपर हिट। अनुष्का जी, जी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो अनीश है उसे एक्टिंग का बहुत शौक है बचपन से, और उसके माँ बाप जो हैं वो उसके सपने को सपोर्ट नहीं करते। बाकी सभी बच्चों के माँ बाप वो देखता है, यहाँ पे आते हैं, उनके सपने सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ताली बजाते हैं, जब एक टफ मोमेंट होता है तो उन्हें गले से लगाते हैं। तो अनीश की जो हमारी प्यारी सी सबसे सुंदर दादी है जो यहाँ, दादी जो हैं वो अनीश को पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। तो हम चाहेंगे कि अनीश के परिवार के लिए, उसके पापा और मम्मी के लिए एक मैसेज आप दें। आई थिंक हम तो मैसेज देंगे ही, बट अगर दादी इधर है, और दादी तो बाप की भी माँ है, क्या बात है, तो आप भी हमारे साथ आओ। अनीश अभी बहुत सबसे अच्छा कर रहा है, तो उसे देखने के लिए आप जरूर आएंगे। आए, क्या नाम है मम्मी पापा का? निनाद और पूनम। पूनम, निनाद जी और पूनम जी, हमने भी देखा आपके बेटे ने क्या कमाल किया है, धमाल किया है, एंड वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, और वो चाहता है कि आप लोग आके उसे देखें लाइव, उसकी परफॉर्मेंस टीवी पे तो देखते हैं मम्मी पापा। और हम वरुण और मैं दोनों अग्री करते हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं रही होंगी 13 या 14 साल की और मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था,
ठीक है, तो मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि मेरे फैशन शोज होते थे, फिटिंग्स के लिए जाना पड़ता था. लेकिन मैं अपनी क्लास में टॉप 3 रैंक्स में आती थी. क्यों आती थी? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे कोई भी कभी मेरे मम्मी पापा को ऐसे ना बोले कि आपकी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं है. तो आई थिंक एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है. थैंक यू, थैंक यू, वेल डन अनीश, वेल डन. मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाना तो बहुत अच्छी बात है, जो कि ठीक है, एक पार्ट हो गया. बट सबसे डिफिकल्ट टास्क जो होता है वो होता है उसे बेचना. राइट. तो आज आप दोनों हैं, जरा देखते हैं कि आप कैसे बेचते हो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. अजय, राइट, इस बॉक्सेस के अंदर सामान है, देसी सामान है, मेड इन इंडिया. आप लोगों को निकालना है और हमारे पेरेंट्स एंड जजेस को बेचना है. ये है ये क्या है? ये क्या है? ये मेरे हिसाब से है लंगोट. लंगोट तो, लंगोट है चड्डियों का मास्टरपीस. ये है वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ, लीक प्रूफ. हर मौसम में है ये फिट. कबड्डी खेलो इसके साथ, कभी कभी नहीं हारोगे तुम कबड्डी खेलोगे इसके साथ. तो अल्ट्रा ड्यूरेबल है, चले सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी. क्या बात है, क्या बात है. और ये बंडाना भी बन सकता है. बंडाना भी बन सकता है. बंडाना भी बना सकते हैं इसको. क्या बात है, ये पहली बार मैंने लंगोट किसी को सर पे पहनते हुए देखा है. कितने का है? सर ये सिर्फ 15 रुपए के लिए. ठीक है, 2 दर्जन दे देना. 2 दर्जन उमंग सर के लिए. क्या बात है, क्या बात. माल बिक गया, माल बिक गया. नेक्स्ट, इस बॉक्स में निकाले. यस, मैं निकालूंगी बेलन. बेलन, ये है मेड इन इंडिया बेलन. ये बहुत ही मतलब एकदम प्रॉपर शुद्ध लकड़ी से बनाया गया है. तो हो सकता है कि ये आयुर्वेदिक बेलन हो. तो अगर आप इससे रोटियां बनाएंगी तो आप सिर्फ रोटियां नहीं बना रही होंगी, आप उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक तत्व भी डाल रही होंगी. सो इट्स वेरी हेल्दी. और अगर आप चाहें तो आप विवेक और उमंग सर को भी दे सकते हैं, अगर वो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहे हैं बच्चे लोग. अच्छा. और कभी कभी अगर आप लड़की हैं और आप सड़क पे अकेले जा रही हैं और आपको कोई वहां पर लगता है कि कोई आदमी आ रहा है, तो आप जल्दी से निकाल के उसके साथ सेल्फ डिफेंस. अच्छा, मुझे लगा डांडिया खेलेंगे. कर सकती है. और अगर आपको खुजली हो रही है, आपके बैक पे खुजली हो रही है, तो जल्दी से आप मेड इन इंडिया स्टाइल में अपने आप को राहत भी दे सकते हैं. पर उसके बाद रोटी मत. लेकिन उसके बाद नया बेलन खरीद लेना. चलो नेक्स्ट होगा लोटा. लोटा सेलिब्रिटी के हाथ का लोटा है भाई. अरे लोटा ले लो, लोटा. इसके बिना सब खोटा. क्या बात है, पानी पीने से लेकर धोने तक ये काम में आएगा आपका. सेम लोटा, हाई टेक्नोलॉजी स्टील से बनाया हुआ है ये लोटा. आयरन मैन का जो सूट बनता है ना, स्टील वही स्टील है. अरे क्या बात है, सेम स्टील. इसमें 4 अलग अलग कंपार्टमेंट है. आप इसमें पानी दे सकते हो, दूध दे सकते हो, लस्सी दे सकते हो, कोल्ड ड्रिंक दे सकते हो, जूस दे सकते हो, और साथ ही साथ ये आपको खुश भी रखेगा. ये खुशी वाला लोटा है, खुशी वाला लोटा. कैसे, कैसे? खुश, कैसे? इसमें हम लोग ने कुछ डाले है यार, कुछ तो डाला होगा. सो सेफ पेपर एंड यूज लोटा. क्या बात है, क्या बात है. वरुण, 1-2 डजन लोटे इनायत के पापा को दे देते हैं क्योंकि वो बाथरूम में हमेशा रहते हैं. अच्छा पापा ले लो आप. रेडी, 1, 2, 3. लोटा कैच. क्या बात है, नेचुरल फिट. हां, नेक्स्ट मेड इन इंडिया क्या प्रोडक्ट है? स्वेटर. स्वेटर, स्वेटर. बेटा स्वेटर पहनो. क्या आप अकेले तन्हा है? बहुत. सर्द रातों में चुपचाप ठिठुरते हुए सिसकते हुए रहते हैं. ठंड ठंड रहते हैं. लगता ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है. देखो ठिठुर रहा है, अभी भी ठिठुर रहा है. तो मैं लाई हूँ आप लोगों के सामने मेड इन इंडिया कंपनी का अकेला मत रो यार स्वेटर. क्या बात है, क्या बात है, क्या टाइटल है. ऐसे तन्हे, ऐसे तन्हाई में रहने वाले सिसुकते सिडुटते सिर से राते इसके पास होने वाला है ये स्वेटर. ओके वरुण, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द इवनिंग. विवेक जी, हाँ जी. ये आपको बहुत पसंद है,
लुंगी डांस अलाइवा ये पीरकिंग है. हाँ जी देवी और सजनों, ये है मल्टी पर्पस लुंगी. चादर की तरह बिस्तर पे बिछाओ, टेंट की तरह शादी में लगाओ, लड़कियों को साड़ी की तरह पहनाओ, वन साइज फिट्स ऑल, गर्मी में खुली हवा का आनंद पाओ. विवेक ओबेरॉय का फेवरेट कंफर्ट ड्रेस ये है लुंगी. एयर कंडीशन मामला. सारे प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया, आप प्लीज खरीदिए. ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल 28 सितंबर को हमारी पिक्चर लग रही है मेड इन इंडिया. ये सारी प्रोडक्ट्स और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे वो पिक्चर में, तो देखना मत भूलिएगा. हंसा हंसा के सबको जख्मी करने आ रहे हैं हिट ड्रामेबाज जोड़ी दीपाली बोरकर एंड हर्षराज लकी. आपने अखा लाइफ में इतना सोचा नहीं होगा जितना कि मैंने पूछा है सटा सर. आपको पता है अब तो मेरे सपनों में सपनों का राजकुमार कम बीएमसी के डस्टबिन ज्यादा दिखते हैं. चलो अब ये काम तो हो गया, अब दूसरा काम करती. तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया. वो फूल झाड़ू मेरा है, ये रहा आपका तीली वाला झाड़ू. जी आपका झाड़ू ना बिल्कुल आप पर गया, एकदम फूल जैसा. एक बात बोलू, जिंदगी में मैंने सिर्फ कूड़ा देखा है, आज पहली बार सोनी कूड़ी देख रहा हूँ. आप कभी शक्कर मांगने आइए ना घर सटा सर. जी हम कटोरी अपने जेब में लेके घूमते हैं, क्या पता क्या मांगने आना पड़ जाए. इश चलिए ना घर. अच्छा ये बताइए, आप हमारे घर पहली बार आए हैं तो क्या धोएंगे, बर्तन या गिलास? अरे फॉर्मेलिटी मत कीजिए, अभी दो कप मांज के आ रहा हूँ. अरे दो कप से क्या होता है. चलिए ना एक कढ़ाई मांज लीजिए, दो दिनों से सिंक पे पड़ी हुई है, बहुत बास आ रही है. देखिए ना मत कीजिएगा सटा सर. हम इतनी जिद कर ही रही हैं, तो चलिए. अरे वाह कितनी अच्छी कढ़ाई साफ की है आपने. वैसे और क्या क्या लगा लेते हैं आप. बस कोई प्यार से बात करे तो गले लगा लेता हूँ. उसे गले लगाना नहीं गले पढ़ना कहते हैं. अब पढ़ना लिखना होता तो रामू काका थोड़ी ना होता, किसी शो का जज होता. वाह कितनी शाबाश झकास बिंदास झाड़ू क्लास फंडू बास बात की है. ये मेरी माँ की आँख निशानी है, उनका बड़ा मन था घर आने वाली बहू इससे घर की सफाई करे. ओह हाउ रोमांटिक. लेकिन हाँ प्यार और रोमांस अपनी जगह, मुंबई पे अपनी खुद की छत होना बहुत जरूरी है. जन के छत नहीं होती उनका छाते होते हैं. सटा सट प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल.
क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए यार। पूछते हैं हमारे गेस्ट से सबसे पहले, वरुण भाई बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। आई थिंक जैसे लोग काम करते हैं उनकी भी लाइफ्स होती हैं, उनकी भी कहानियां होती हैं, हम लोग कभी सोचते नहीं है, बट ये एक इनसाइट था उसके अंदर। एंड बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही क्यूटली आप लोगों ने किया, आप दोनों का जो तालमेल था बहुत अच्छा था, मुझे वो सटासट बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। एंड आप जिस तरीके से डायलॉग बोलती है, बहुत क्लैरिटी आपके डायलॉग्स में, यू नो, सो वेरी वेल डन। थैंक यू सर। स्टेज परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आपके को एक्टर के साथ आपका तालमेल एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ लाइन अगर ऊपर नीचे बोल दी और उस लाइन से आपकी लाइन जुड़ी हुई है तो फिर उसका सब कुछ ध्यान देना और इतनी छोटी उम्र में सब कुछ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप लोग उसको ऐसे कर रहे हैं जैसे इट्स सो ईजी, नो बिग डील एट ऑल। और आप पॉजेज भी एकदम जैसे बोलते हैं सही लेंथ के पॉज ले रहे हो। सो आई थिंक बोथ ऑफ यू आर इनक्रेडिबल एंड आई विश यू बोथ सो मच लक। फुल एक्ट में सिर्फ जरूरत थी कॉमिक टाइमिंग की और इस एक्ट में दोनों ने बहुत ही एक्सेलेंट टाइमिंग दिखाई है, बहुत मजा आया। और आपने जो मॉड्यूलेशन किए, जो वेरिएशन दिए, वो बहुत अच्छे लगे मुझे, तो इसीलिए देना चाहता हूँ आपको सुपर हिट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम भी सुपर हिट ही देंगे अनुष्का एंड वरुण की तरफ से, आपको सुपर हिट उमंग सर। और मेरे तरफ से भी, ड्रॉइंग नहीं बनी तो आपको पता है सुपर हिट ही मिलने वाला। थैंक यू सर। नॉट बैड यार, नॉट बैड, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। वैसे आज हमारे साथ है ममता और मौजी, हम आपको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे और थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया का सिग्नेचर स्टेप भी दिखा दीजिए, जोरदार तालियां हो जाए भाई। किसी इंसान में दुनिया की सोच बदलने का हौसला आ जाए तो कामयाबी उसे ज्यादा दूर नहीं रहती। कुछ ऐसी ही कहानी है गोपाल खंडेलवाल की, जिसे जी टीवी द्वारा जनहित में जारी करने आ रहे हैं पुणे के अनीश रायलकर और पिंजौर की एंजेलिका पिपलानी। यार मैं बहुत खुश हूँ, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। वो कहते हैं ना, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान को भी पाया जा सकता है। अब देखना, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और सबसे बड़ा डॉक्टर बनूँगा। गरीबी में पैदा ज़रूर हुआ लेकिन गरीबी में मरना नहीं चाहता। यार मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, गरीब लोगों के लिए, क्योंकि गरीबी में आई छोटी सी बीमारी भी जान लेने के लिए काफ़ी होती है। चल मैं जाता हूँ, बाय। बाय गोपाल। बाय गोपाल। बाय। गोपाल पत्थर की तरह कठोर सपने कब शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं पता ही नहीं लगता। जिस उम्र में दुनिया से दौड़ लगाने के सपने देख रहा था, क्या पता था कि दौड़ में एक ऐसा रोड़ा आएगा जो मुझे मेरे मकाम से ही दूर कर देगा। अभी तक तो ठीक से कुछ पाया भी नहीं था कि किस्मत ने बहुत कुछ छीन भी लिया।
एक्सीडेंट के बाद मेरी जिंदगी उतनी मुझे बोझ नहीं लगी जितना ही अपाहिज अपने परिवार वालों को बोझ लगने लगा। बस कुछ दोस्त कमाए थे जिंदगी में, उनकी मदद से एक छत मिल गई मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। साहब लकड़ियां लोगे? अच्छा फिर ध्यान रखना, मैं मंदिर होकर आई। तेरी इतनी हिम्मत मंदिर के अंदर पैर रखने की? तुझे इतना भी याद नहीं रहता कि तू नीची जाति वाली है? तो क्या हो गया अगर मंदिर में आ गई तो? तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया क्या कि तुम नीची जाति वालों का काम जंगल से लकड़ी काटना और सड़के नालियां साफ करना होता है, समझी? और सुन, पैरों की जूती जब तक काटे ना तो अच्छी होती है, और जब काटने लगे तो उसे निकाल के फेंकना भी जानते हम लोग, समझी? हाँ बहुत हो गया, अब नहीं छोडूंगी। देखो, अरे छोड़िए, अरे भाई साहब छोड़िए। देखिए, तुम जो कर रही हो वो गलत है। हाँ हम ही गलत है, वो बार बार हमें नीची जाति कहकर नीचा दिखाए लेकिन गलत हम है। वो हम जैसे लोगों के साथ जानवरों की तरह पेश आए लेकिन गलत हम है। वो हर पल हमें अपमानित करे लेकिन गलत हम है। देखो शांत हो जाओ। और कब तक शांत रहेंगे साहब? आइए, हम जैसी छोटी जाति वालों पे अत्याचार कर करके गलत रास्ते पर चलने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग। यही कारण है कि हमारे साथ ही हमारे घर वाले और हमारे जैसे कई इनके जुल्मों के बदले में हथियार उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत गुस्सा है तुम्हारे अंदर, अगर तुम यही गुस्सा सही जगह लगाओगी तो ये ऊंची जाति और नीची जाति के विचारों से बहुत आगे बढ़ सकती हो तुम। मतलब अपने इस गुस्से को पढ़ाई पर निकालो, किताबों पर निकालो। देखना एक बहुत बड़ा मकाम बना सकती हो तुम। लेकिन मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? हमारी बिरादरी में आज तक कोई नहीं पढ़ा तो मैं कैसे पढ़ा? गलत है, जो गलती हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं उसे दोहराना जरूरी है। उसकी जगह तुम ये सोचती कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकती हूँ, अपने परिवार का अपने जाति का नाम रोशन कर सकती हूँ, तो आज तुम यहाँ नहीं कहीं और होती। लेकिन आप मुझे बिना पैसे लिए पढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं अपाहिज होने का दर्द जानता हूं और मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया दिमागी रूप से अपाहिज बने। जहाँ मेरा फैसला वो झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। इन किताबों ने कई लोगों की जिंदगी के नए पन्ने खोल दिए। इसी तरह गोपाल एक के बाद एक दलितों और वंचितों को सही राह दिखाते गए। वो खुद तो डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन हजारों की सोच का इलाज कर दिया। उनके द्वारा सिखाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनने लगे। ये सब देखकर समाज के उस वर्ग की भी आंखें खुल गई
जो शायद अपने पद प्रतिष्ठा और ऊंची जाति के सम्मान के आगे कुछ और देखते ही नहीं थे। मास्टर साहब, क्या आप हमारे बच्चे को भी पढ़ाएंगे? हमें जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन देखिए, मेरी स्कूल में सारी जाति एक समान है। अगर आपको इससे कोई परेशानी है तो मैं नहीं पढ़ा सकता। क्या मोमेंट है, सुपर। और इस तरह पिछले 20 सालों से गोपाल बच्चों को सही राह दिखा रहे हैं। अपने स्वार्थ को अलग कर निस्वार्थ भावना से उन्होंने ये काम किया। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का ये मंच गोपाल के इस जज्बे और जुनून को सलाम करता है। विवेक भाई, आपके एकदम आंखें नम हो गई है यार। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गोपाल जी क्या कहें आपको, कैसे आई आपको ये सोच? माँ ने कहा था सर, चोट लगने के बाद, कि अपने नायक स्वयं बन के जीना, पीड़ित मत बनना। क्या बात, पैरों की तरफ लोग देखेंगे, कर्म ऊंचा रखना, लोग अपने आप चेहरे की तरफ देखेंगे। उफ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। माँ के सपनों को पूरा कर रहा हूँ। मैंने चाहता हूँ कि उनको दुख हो, पर उन्होंने कहा था रोना नहीं, हारना नहीं। इस समाज में जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको परेशानियाँ आती हैं, लोग हरेसमेंट करते हैं, लेकिन वहीं रास्ता निकालना पड़ता सर। और मैं चाहूँगा सक्षम और अच्छे वर्ग से इस काम में आगे आइए, सहयोग कीजिए, इस गुरुकुल को आगे बढ़ाइए, ताकि यहाँ से अच्छे बच्चे अच्छे पोस्ट पर निकले। सो इंस्पिरेशनल। लोग जब अपने ही जीवन में मुश्किल से जूझते हैं, पीड़ा से, दर्द से जी, तो नकारात्मक सोच हो जाती है, नेगेटिव हो जाते हैं, बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऑलमोस्ट हमेशा अपने आप को देखकर, अपना दुख देखकर रोने लगते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हादसा हुआ। लेकिन आपने वही ऊर्जा, वही दर्द को इतना सुंदर रूप दिया, समाज का दर्द मिटा दिया आपने। ये जो रोग है छूत अछूत का हमारे देश का, आप डॉक्टर तो नहीं बन पाए लेकिन आपने ये रोग देश का ठीक कर दिया, आपको सलाम है। इंस्पायर करते हो आप हर एक जन को, इन्हों के आगे बढ़कर ऐसा कुछ करे। एंड शिक्षा देना एक सबसे बड़ा काम होता है और उसके लिए आप इन सबके देवता हैं, हम सबके भी देवता हैं। आपने जो किया वो बहुत कम लोग करते हैं और उस लिए इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज पर हम और सब लोग यहाँ आपको सल्यूट करते हैं। और धन्यवाद सर। विवेक भाई, उमंग सर, आप लोगों को हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लगा? यार बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस। एंजेलिका, आपकी एक प्रॉब्लम थी कि आप कभी कभी एक मोनोटोन में चले जाते थे, हर चीज़ एक ही तरह से। अभी आपने हर चीज़ को परफॉर्म किया, आप मुस्कुराए भी, रोए भी, गुस्सा भी आया, मारने भी गई, सब कुछ किया आपने और इतने सुंदर तरीके से किया, कहीं वो खटका नहीं पूरे परफॉर्मेंस में। थैंक यू सर। और अनीश, क्या बोलूँ यार, वो एक नेचुरलपन जिससे आप शुरुआत किए और फिर अंत में जिस तरह से आप, मैं उमंग सर को देखकर बोला था, ये जो बॉडी लैंग्वेज है इसे प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल है। मैंने व्हीलचेयर पे एक रोल किया है कृष 3 में और मुझे महीने लगे प्रैक्टिस करने में, डेली रेगुलरली, क्योंकि उसमें मैं पूरी बॉडी, सिर्फ एक उंगली उसकी चलती थी काल की। पर आप जो अभी कर रहे थे, जिसमें आप पैर उठा के अपना प्लेस कर रहे थे अपने आप, जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो दिव्यांग जन हैं, जो व्हीलचेयर पे रहते हैं, उनकी बिल्कुल हूबहू बॉडी लैंग्वेज आपने अडॉप्ट की और ऐसा लग रहा था कि आप वाकई बड़े टीचर हो और आपके पास बच्चे हैं। जब बच्चे गोल घुमा रहे थे तो आप हंस रहे थे, तो आप कहीं बच्चे नहीं लग रहे थे। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। हूबहू जो विवेक जी ने कहा, सुभान अल्लाह।
Fantastic acting. Thank you, sir. Fantastic. I loved it. Judges, मैं आप लोगों को बुलाना चाहूँगा. Please, आकर आप गोपाल जी को सम्मानित करें हमारे जनहित मेडल एंड ट्रॉफी से. आपने मुझे पहचान दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इस मंच का, पूरी टीम का, कि अंधेरे से आपने उजाले में मुझे ला दिया. मिर्जापुर के जंगलों में नक्सल क्षेत्र में एक इंसान लेटा रहता है, दिन भर बच्चों को पढ़ाता है, शाम होने के बाद वो अकेला हो जाता है. लेकिन उस एकांतवास को आपने खत्म कर दिया. बहुत अभी यादें मुझे हमेशा खुश रखती हैं. अगर आप भी जानते हैं ऐसे किसी अनसंग रियल लाइफ हीरो को जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, तो response@zee.slgroup.com पर हमें भेज दीजिए उनकी कहानी. उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियों को हम इस शो का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे. वरुण भाई और अनुष्का, हम आपको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे. जोरदार तालियां हो जाए भाई. सब आ जाए. भाई सुई धागा रिलीज हो रही है 28 सितंबर को, तो देखना मत भूलेगा. जबरदस्त मूवी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने. जाने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर आकर? बहुत ही ज्यादा सुपर्ब था. मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ पे आके इतना सारा टैलेंट देखेंगे स्टेज के ऊपर. इतने सारे बेहतरीन कलाकार हैं आपके स्टेज पे, जो एक से बढ़कर एक है. आई थिंक द बेस्ट थिंग ये शो के बारे में कि जो बच्चे हैं वो बहुत अनअवेयर है अपने टैलेंट को लेके, एंड ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. इवेंचुअली शो है, मस्ती करना चाहिए, मज़ा करना चाहिए, और जैसे आप देख रहे इतना मज़ा कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे. एंड प्लीज़ मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जाके देखिए हमारी फिल्म सुई धागा, मेड इन इंडिया. थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए. जजेस, अब इंतजार एक सुई की तरह चुभ रहा है, तो बताइए भाई कि तीसरी डिग्री किसे मिलेगी? भाई 2 हफ्ते बचे हैं फिनाले के लिए, सिर्फ 2 हफ्ते, और पिछले 2 दिन यानी कि सैटरडे और संडे दोनों एपिसोड्स में जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया, कुछ बहुत अच्छे जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थे, कुछ थोड़े वीक परफॉर्मेंसेस थे इस मकाम पे आके. यस, तो उमंग सर और मैंने 3 नाम ऐसे चुने हैं जो हमारे इस हफ्ते के टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं. पहला नाम वो जो लंबी सी है, जो मैच करती है, एंजेलिका प्लीज आ जाएं स्टेज पर. दूसरा नाम है अनीश, और आखिरी नाम है दीपाली. अनीश, कितना जरूरी है ये डिग्री जीतना आपके लिए? सर बहुत जरूरी है. क्यों? सर क्योंकि अगर मुझे डिग्री मिल गई तो शायद मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करने लगे. भाई निनाद जी, पूनम जी, आप देख रहे हैं मैं और अमंग दोनों आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम दोनों और हुमा भी हमारे साथ इस रिक्वेस्ट में, पूरी जी की टीम हमारे साथ में, हमारे बच्चे इस रिक्वेस्ट में साथ में, हमारे पेरेंट्स इस रिक्वेस्ट में साथ में, और हमारी ऑडियंस इस रिक्वेस्ट में साथ में है. आइए और अनीश को सपोर्ट कीजिए. सपोर्ट अनीश. यस, एंजेलिका, कितना जरूरी है आपके लिए ये डिग्री जीतना? सर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है. जो टास्क मिलता था हम उस पर मतलब लग जाते थे. मलखम भी मिला तो फर्स्ट टाइम था हमारे लिए, बहुत मुश्किल था चढ़ना, लेकिन हमने बहुत मेहनत करी. हमारे चोटें भी लगी लेकिन हम नहीं रुके, हमने बहुत मेहनत करी. बट उस मेहनत का रंग आज दिख रहा है. दीपाली, आपके लिए कितना जरूरी है डिग्री जीतना? सर मैं चाहती हूँ कि मतलब हर एक्ट जो मेरा होता है तो मैं उससे बेटर, बहुत मतलब बेस्ट करूँ हर एक्ट में. और मैं अपने कैमियोज में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, एक्ट में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज मुझे डिग्री मिले. दीपाली के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जितनी मेहनत करती हैं कमेंडेबल है, काबिल तारीफ है. थैंक यू सर. लेकिन अब वक्त आ गया है 3rd डिग्री का. जिस बच्चे ने आज 3री डिग्री जीती है और उस
सोफे पे वो बच्चा जाके बैठेगा, उस बच्चे का नाम है, नाम है अनीश। अपना जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे, मैं ग्लैड या सैड होके दुनिया को हम घुमा दे। अनीश, आप जीत गए हैं ड्रामेबाजी की तीसरी डिग्री और इसी के साथ आप बन गए हमारे थर्ड फाइनलिस्ट।